क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम लोग कॉस्को आए और बिना शॉपिंग के चले जाएं? नहीं ऐसा कभी नहीं होगा ना। अरे वाजी घर चलो। अच्छा घर चलो दिखाते हैं, ये नॉर्मल वाला है या ये घर चलो दिखाती हूँ कौन सा वाला घर चल रहा है ये? तो मैं आपको दिखाऊंगा आज की किस तरह से कॉस्को का रिटर्न पॉलिसी। सो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम जा रहे हैं कॉस्को, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाऊं कि हम कॉस्को में क्या करने जा रहे हैं। बिकॉज़ दो दिन पहले जब हम कॉस्को गए थे, हम कुछ सामान ले आए थे वहाँ से, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं। उसमें से कुछ सामान हम लोगों को ठीक नहीं लगा, तो सोचा कि वो रिटर्न करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज कि किस तरह से कॉस्को का रिटर्न पॉलिसी है, आप कुछ भी लेते हैं तो कब तक रिटर्न कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा आज। और जैसे कि आपको पता है कि कल जितनी स्नो हुई थी, जो मैंने आपको बताया था, और मेरा ड्राइववे का जो हाल था, तो आज वेदर बहुत बेटर है कल से। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरा ड्राइववे अपना क्लीन कर लिया है, पूरा शवल कर लिया है और स्नो सारी हट चुकी है। काफ़ी टाइम लगा उसको करने में, बट देन फाइनली आई वॉज एबल टू डू इट। तो बस यही है, आज जा रहे हैं कॉस्को कुछ रिटर्न करने के लिए, सोचा चलो आपको भी ले चले साथ। तो जैसा कि आपने देखा अभी कल स्नो हुई है, ऑलमोस्ट अबाउट -15 degree टेम्परेचर था, बट फिर भी इन वन डे इन्होंने पूरे रास्ते साफ कर दिए हैं। तो जी हम पहुंच गए हैं कॉस्को, ये बिल्कुल मेरे पीछे ही है कॉस्को। और जैसा कि आप देख रहे हैं पार्किंग लॉट में इतनी सारी गाड़ियां है, राइट, जो बताता है कि यहाँ लाइफ बंद नहीं होती है। यहाँ जो है, चाहे जैसे मैं पहले बता रहा था, जैसे कि कितनी भी स्नो क्यों ना हो, लोग निकलते हैं घर से बाहर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल उसी तरह से चलती है जिस तरह से चलनी चाहिए। तो लोगों को जो मिसकंसेप्शन होता है कि बॉस कनाडा में इतनी ठंड पड़ती है, -25, -30 degree टेम्परेचर्स होता है, तो लोग बाहर नहीं निकलते होंगे घर से, बट ऐसा कुछ नहीं है। लोग निकलते हैं, शॉपिंग भी पूरी होती है और ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही चलती है। तो आइए अभी हम चलते हैं अंदर कॉस्को के और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से चीज़ें रिटर्न करनी है हम लोगों को, जो मैं बता रहा था। तो दिखाता हूँ कि कोई क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग या क्या है रिटर्न पॉलिसी उनका, सब जानते हैं। तो गाइस जैसा कि हम देख रहे हैं मैं क्या क्या रिटर्न करने आया हूँ। यहाँ पे मेरे पास है स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, यहाँ पे ये भी है मैंगोज। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ओपन पैकेट है, इसको खोल दिया है और इसमें 6 मैंगोज आते हैं जिसमें से मैंने 2 खाए हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे वो लोग रिटर्न लेते हैं या नहीं लेते हैं। गुआवास एंड सम ग्रीक योगर्ट, तो आइए चलिए देखते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे, इन्होंने बस यही पूछा कि आपको क्यों रिटर्न करना है ये चीज़। तो मैंने उनको बताया कि जितने भी फ्रूट्स हैं या तो सारे ओवरली राइप हैं या फिर ये टेस्ट में बहुत सार हैं। सो उन्होंने बिल्कुल हैप्पीली रिटर्न कर दिया एंड उन्होंने कोई इश्यूज़ नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं कि बॉस नहीं रिटर्न कर सकते, हम आपको स्टोर क्रेडिट देंगे, आपके पास रिसीट है नहीं है, नो क्वेश्चंस। एंड उन्होंने बिल्कुल रिटर्न कर दिया सारी चीज़ें और पैसे वापस कार्ड में डाल दिए। सो यही है बेनिफिट कॉस्को से शॉपिंग करने का। जब लोग बोलते हैं कि कॉस्को क्यों इतना लोग चूज़ करते हैं, इट्स ओनली बिकॉज उन लोगों का जो पॉलिसी है, जो वो बोलते हैं कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो हमारे प्रोडक्ट से, सो यू कैन कम इन एंड रिटर्न एनी टाइम। एंड ऐसा नहीं है कि कोई इनका एक टाइम लिमिट है कि आप सिर्फ 30 days, 60 days, or 90 days में रिटर्न कर सकते हो। जहाँ तक मैंने सुना है ये 1 year तक भी रिटर्न लेते हैं कोई भी चीज़ें, विच इज़ द बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। सो अब हमने जो रिटर्न तो दे दिया है, इनमें से एक चीज़ ऐसी भी थी जो हमने अनओपन रखी थी, जो हमने रिटर्न किया है, तो बस उसके लिए उन्होंने यही बोला कि आप जो भी चीज़ें रिटर्न करते हैं या आप ख़रीदते हैं, क्योंकि मैंने वो गलती से ख़रीद ली थी, तो वो कहते हैं कि जो भी चीज़ें आप रिटर्न करोगे वो सारी चीज़ें गारबेज में चले जाएगी। तो इसलिए जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू बाय थिंग्स, जो आपको नहीं चाहिए या आपने जो मिस्टेक से ले ली है वो मत लीजिए, बिकॉज अदरवाइज वो गारबेज में जाएगी एंड इट्स गोना जस्ट गो वेस्ट, राइट। सो बस यही बताया उन्होंने एंड उन्होंने पैसे सारे रिटर्न कर दिए हैं।
ऐसा कभी हो सकता है कि हम लोग कॉस्को हैं और बिना शॉपिंग के चले जाएं? नहीं ऐसा कभी नहीं होगा ना। कॉस्को ऐसी जगह है, ये वो कहते हैं ना, वो मोह माया है कॉस्को, ठीक है। जो यहाँ आता है वो अंदर फंस जाता है, बिकॉज इतना ज़्यादा वैरायटी है इनके पास और इतना स्ट्रेटेजिकली प्राइज्ड रहता है कि यहाँ से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो गाइस, तीर्थ का 9th मंथ बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कल, और उसी लिए आंचल यहाँ पर ले रही है केक, और ये हम लोगों का फेवरेट केक है, ये जो चॉकलेट सेलिब्रेशन केक, और टक्सीडो केक, इट्स वेरी टेस्टी। तो हम यूजुअली यहीं से लेते हैं और यही बड़ा पसंद आता है हम लोगों को। तो भाई नाना करते करते भी $106 का बिल हो गया, ये होता है कॉस्को। गाइस, कॉस्को का काम हुआ ख़त्म और अब हम चले यहाँ से। अब हम सोच रहे हैं मोस्टली हम वॉलमार्ट जाएंगे, बिकॉज जो सारी चीज़ें कॉस्को में चाहिए थी वो हमें मिली नहीं, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती भी है जो हम कॉस्को से नहीं खरीदते हैं, जो हम वॉलमार्ट से या फ्रेशको से लेते हैं। तो मैं आपको वो बताऊँगा कि हम लोग क्या ऐसी चीज़ें जो वॉलमार्ट से लेना प्रेफर करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम फ्रेशको से लेना प्रेफर करते हैं। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कॉस्को है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ यहाँ से ही खरीदें। यहाँ पर भी मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है जो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप वॉलमार्ट से या आप फ्रेशको से खरीदें। सो मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर वॉलमार्ट में पहले, एंड देन उसके बाद हम चलेंगे फ्रेशको और मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हम वहाँ से ख़रीद रहे हैं। और अगर मौसम की बात करें तो यार आज बहुत प्यारा मौसम है, अगर देखा जाए बिल्कुल मेरे पीछे इतनी अच्छी धूप आई हुई है। आई थिंक टेम्परेचर्स होगा अराउंड -1 एंड फील लाइक है अराउंड -4 या -5, बट अगर आप देख सकते हैं बहुत प्यारी धूप निकली हुई है एंड ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि -4 -5 है, बिकॉज धूप की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। तो चलो चलते हैं वॉलमार्ट एंड मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ कि हमने क्या लेना है। गाइस, हम पहुँच गए वॉलमार्ट, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं वॉलमार्ट क्यों आया हूँ और कॉस्को से मैंने क्या ऐसा नहीं लिया है, तो जो सबसे पहली चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा जो मैं कॉस्को से नहीं ख़रीदता हूं और हमेशा वॉलमार्ट से लेता हूं या फ्रेशको से लेता हूं, इज़ द रेगुलर ब्राउन ब्रेड। और इसकी वजह ये है कि मैं कॉस्को से इसीलिए नहीं लेता हूं और वॉलमार्ट से इसीलिए लेता हूं, क्योंकि कॉस्को में जो ब्रेड मिलती है वो मिलती है 3 का पैक। तो यानी कि अगर ऐसा मैं लूँ इस तरह का कुछ ऐसा, 3 का पैक मिलेगा मुझे कॉस्को में, वहाँ पर सिंगल पैक मिलता नहीं है। वर्सेस अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो यहाँ मैं एक पैक भी ले सकता हूँ। और अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ अगर आप 3 का पैक लेते हो तो वो आई थिंक आपको करीबन पड़ेगा $5 या $6 का, और अगर मैं ये एक लेता हूँ तो ये मुझे पड़ती है $2 की। क्या ले रहे हो आंचल? बेगल। बेगल क्यों, क्या स्पेशल खिला रहे हो आज? अच्छा, घर चलो दिखाते हैं, ये नॉर्मल वाला है या ये घर चलो दिखाती हूँ कौन सा वाला घर चल रहा है? ये जी वीकेंड ट्रीट वाला है। ओके, तो देखो आज क्या मिलता है मुझे ट्रीट में स्पेशल। आई थिंक सो, हाँ नहीं बड़ा एक्साइटेड हो गए थे तुम, हाँ नॉर का सूप देखे कि इंडिया की याद आ जाएगी तुमको, इंडिया वाली फीलिंग आती है उसमें, शाम को सूप पियेंगे बैठ के। यस यस। तो गाइस, जिस जिसको लगता है कि यहाँ इंडिया का सामान नहीं मिलता है आप लोग गलत हो, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ सारे इंडिया का सामान मिलता है, हम लोगों का सारा स्नैक। बचपन की यादें, अरे बचपन की यादें, ये देखो लिटिल हार्ट, लिटिल हार्ट, ये मुझे याद है बचपन में हम लोग इतना खाते थे। ओ वाओ, ये गाइस ये रस्क ट्राई करना चाहिए, मेरे बोलने पे एक बार ट्राई करना, ये जो केक रस्क है वर्का का, सिर्फ वर्का का ही लेना और कोई ब्रांड मत लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला है केक रस्क वर्का का, ये ट्राई करना एंड आप कमेंट्स में बताना मुझे कि आपने ट्राई किया है या नहीं, और जब ट्राई किया है तो आपको कैसा लगा। मेरे लिए ये पर्सनल फेवरेट है मेरा, हम लोग हमेशा ये लेते हैं, बट अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा हेल्दी खाऊं तो इसीलिए मैं नहीं लेता हूँ ये सारी चीज़ें, बट अब हम ले रहे हैं इस बार, तो ये डाल दिया है कार्ट में। नहीं तो मम्मी के लिए ले रहे हैं क्योंकि मम्मी इंडिया से आए हैं तो उनको थोड़ा लगता है ये सब चाय के साथ, ऐसा नहीं है वो अकेले खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। बस यही है कि उनको ये नहीं ना डाइटिंग हम कर रहे हैं तो उनको भी डाइटिंग कराएं। करेक्ट। इट्स लाइक जो भी हमें इंडियन सामान चाहिए था, जो हम सोच रहे थे फ्रेश को जाना पड़ेगा, वो सारा भी हमने यहीं से ले लिया है वॉलमार्ट से।
तो देर इज़ अ गुड चांस हम फ्रेशको ना जाएं। बट अगर मैं बताना चाहूँ तो फ्रेशको हम लोग यही इंडियन सामान के लिए जाते हैं, यहाँ तक कि फ्रेशको इतना इंडियन है कि उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है फ्रेशको से चलो फ्रेशको। सो वो वहाँ इंडियन हर स्पाइसेस, हर मसाले, सारा इंडियन स्नैक, हल्दीराम या जो भी बोल लो, वहाँ सब कुछ मिलता है आपको फ्रेशको में। अचार वगैरह कहाँ पे? यहाँ पे भी अचार थे। या अचार, exactly, मदर रेसिपी के, राइट? मदर रेसिपी के, यस। मैंगो पिकल, मिक्स वेज पिकल, बहुत सारे वैरायटीज हैं। यहाँ मतलब वॉलमार्ट और फ्रेशको जो है मैक्सिमम इंडियन सामान के लिए ही जाना जाता है, तो यहाँ पर इंडियन ग्रोसरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो जब भी ग्रोसरी करना होता है हमें इंडियन ग्रोसरी, तो यहाँ जाते हैं या तो फिर हम लोग को एक इंडियन स्टोर है वहाँ चले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट सब कुछ तो ले लिया है यहाँ से। वॉल क्लॉक ना, हाँ वही ढूंढ रहे हैं हम लोग, बट कहाँ है समझ नहीं आ रही है यार। इसी किसी आइल में देखी थी मैंने वॉल क्लॉक, ये रही, हाँ ओके। ये साइज आई थिंक ठीक है, ये वाली पसंद आई थी ना, ये आगे वाली नहीं, आगे वाली ये वाली, हाँ sure. हाँ 100% ये फोटो ली थी मैंने, यही वाली पसंद आई थी हम लोगों को, $45 की थी। यस, कैसी लग रही है ये? हाँ लो, अच्छी लग रही है, मेरे को तो अच्छी लग रही है यार। हाँ मुझे तो अच्छी लग रही है, हमने विनर्स में भी देखी, विनर्स में कुछ खास अच्छी थी नहीं ना। नहीं मुझे तो अच्छी लग रही है गाइस, आप लोग बताओ कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट में बताओ कि कैसी लग रही है ये वॉल क्लॉक, ये लें या और कोई लें। ये देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, हाँ ये भी अच्छी है बट थोड़ी छोटी लग रही है ये, तो ये इज नॉट दैट ग्रेट। ये जो पीछे वाली ना ये भी बहुत अच्छी है, देखो ये भी बहुत अच्छी लग रही है, हाँ बट मुझे फिर भी समहाउ ये वाली ज्यादा, आई थिंक हमारे बच्चे हैं, आई मीन टूटू इज लाइक समबडी वेयर शी कैन स्टार्ट लर्निंग, तो ये नंबर्स लिखे, नंबर्स लिखे होंगे तो बड़ा इजी होगा। हाँ हाँ वो रोमन नंबर्स उसको नहीं आएंगे, ये लेते हैं, अगर नहीं अच्छी लगेगी तो देन हम रिटर्न कर देंगे इसको। तो गाइस वॉलमार्ट की शॉपिंग हो गई है डन, और जो हमें फ्रेशको से चाहिए था, जैसे मैंने बताया जो भी फ्रेशको से चाहिए था वो हमें वॉलमार्ट में फॉर्चुनेटली सब मिल गया, तो अब हम जाएंगे नहीं फ्रेशको। वॉलमार्ट में आई थिंक हमारा टोटल बिल हुआ अराउंड $175, तो कॉस्को का हुआ हमारा $100, सो अबाउट $275 लग गए, जिसमें हमने छोटी मोटी ग्रोसरी कर ली। ये जो कॉस्ट है $275 इज नॉट द कॉस्ट हमारी एक वीक के ग्रोसरी का। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो हमारी ग्रोसरी का कितना कॉस्ट होता है, हम पूरे मंथ में कैसे कितना ग्रोसरीज में कॉस्ट लगता है, अगर आप जानना चाहोगे तो कमेंट्स में बताना, तो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसपे हम सारा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आपको ले जाएंगे और आपको बताएंगे कि एक वीक की ग्रोसरी शॉपिंग का कितना लगता है। अब हम चलते हैं घर, और घर जाके हम फिक्स करेंगे वो वॉल क्लॉक जो हमने ली है, तो वॉल क्लॉक फिक्स करेंगे, और दो तीन डेकोर आइटम्स है जो लिए हैं हमने वो हम फिक्स करेंगे, जो हमने पहले से ली हुई थी वो इस $275 में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो हम फिक्स करेंगे और आपको दिखाते हैं, और आप बताइए कि कैसा लग रहा है वो। तो लेट्स गो गाइस, हम आ गए हैं घर, और घर आते आते हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था, तो उस वजह से हम आज वॉल क्लॉक फिक्स नहीं कर पाए, तो हम मोस्टली इसको कल फिक्स करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वॉल क्लॉक कैसा लग रहा है। आज का वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म। अगर आपको अच्छा लग रहा है जो हम दिखा रहे हैं तो प्लीज़ करिए इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, और शेयर कीजिए जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिले, हम लोगों को मोटिवेशन मिले कि हम ऐसे वीडियोज और बनाते रहें। Thank you guys and see you guys soon.